और ये बात बुनियादी तौर पर जहन में रखिएगा कि मेरे किसी फिक्रे का कोई मतलब किसी गैर शिया की दिल आजारी नहीं है। मैं लफ्ज सुन्नी से बड़ी मोहब्बत करता हूं, इसका मतलब है हजूर की पैरवी करने वाला, और मेरे इल्म में अली से बड़ा सुन्नी कोई नहीं। आप मेहरबानी करके लफ्ज शिया का एहतराम कर लें, क्योंकि शिया का मतलब है अली से मोहब्बत करने वाला, और मेरे इल्म में हजूर से बड़ा शिया कोई नहीं है। लिहाजा ये बहस ये झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। हमारे यहां कोई इख्तलाफ नहीं है सुन्नी और शिया का। एजेंसियां जितना खेल खेलना चाहती हैं, गैर मुल्की हरामजादे जितना मर्जी बेगैरती फैलाना चाहते हो फैला ले, हम पर उसका असर होने वाला नहीं। हम इश्क़े हुसैन में इकट्ठे हैं, मोहब्बत रसूल में इकट्ठे, मजलिसों में इकट्ठे। कोई माइकल लाल आए इनमें से अहले सुन्नत को अलहदा करके दिखाए, पहचाना जाएगा किसी से कि ये सुन्नी है ये शिया। हम हुसैन के नाम पे सब इकट्ठे हैं, बाकी यजीद को माफ नहीं किया जा सकता। इस पर किसी किस्म की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने भुट्टो का केस उठा दिया, उनको हक है कि भुट्टो का केस दोबारा उठाए। हम मोहम्मद के बेटे का केस दबने नहीं देंगे। इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, कातिल बेनकाब किए जाते रहेंगे। मकतूल की भी फैमिली हिस्ट्री खोलो, कातिल की भी खोलो। अब ये तो असूल है इन्वेस्टिगेशन का, जेब कुतरा भी पकड़ा जाए तो पूछा जाता है तेरा अब्बा क्या करता है, जेब इसने काटी है पूछ अब्बा जी कर रहे हैं, क्योंकि यह पता करना होता है खानदानी लफंगा तो नहीं। तो जब हुसैन के कातिलों की इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम पूछेंगे मां का किरदार क्या था, बाप का कैरेक्टर क्या था। अब उनमें हमजा के कातिल निकला